भारत आज कारगिल विजय दिवस की वर्षगांठ मना रहा है। साल 1999 में आज ही के दिन भारतीय सेना ने 60 दिन से ज्यादा चले युद्ध में पाकिस्तान को हराते हुए कारगिल की पहाड़ियों को पूरी तरह पाकिस्तानी घुसपैठियों से मुक्त कराया था। इस युद्ध में शहीद हुए सैनिकों और वीरता दिखाने वाले जवानों के सम्मान में हर साल पूरे देश में विजय दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य कार्यक्रम जम्मू कश्मीर में LOC के करीब मौजूद द्रास सेक्टर में स्थित कारगिल वॉर मेमोरियल में होता है। ये मेमोरियल इसी युद्ध के दौरान शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में हुए शिमला समझौते के तहत तय हुआ था कि ठंड के मौसम में दोनों देशों की सेनाएं जम्मू कश्मीर में बेहद बर्फीले स्थानों पर मौजूद LOC को छोड़कर कम बर्फीले वाले स्थान पर चली जाएंगी, क्योंकि सर्दियों में ऐसी जगहों का तापमान -30 डिग्री में चले जाने के चलते दोनों देशों की सेनाओं को काफी मुश्किलें होती थी। 1998 की सर्दियों में जब भारतीय सेना LOC को छोड़कर कम बर्फीले वाले स्थान पर चली गई तो पाकिस्तानी सेना ने अपने करीब 5,000 जवानों के साथ धोखे से भारतीय पोस्टों पर कब्जा कर लिया था। 1999 की गर्मियों के दौरान जब भारतीय सेना दोबारा अपनी पोस्ट पर गई तो पता चला कि पाकिस्तानी सेना की 3 इन्फेंट्री ब्रिगेड कारगिल की करीब 400 चोटियों पर कब्जा जमाए बैठी है। 1999 को पाकिस्तान की हरकत के बारे में पता चला था, जिसके बाद 5 जवानों का गश्ती दल वहां पहुंचा तो घुसपैठियों ने उन्हें फेंक कर यातनाएं देकर निर्ममता से उनकी हत्या कर दी थी और भारत को उनके छत बिछत शव सौंपे थे। इसके बाद भारत ने पाकिस्तानी घुसपैठियों से अपने इलाके को खाली कराने के लिए एक अभियान शुरू किया, जिसे ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने संयुक्त अभियान चलाते हुए इस युद्ध में अद्भुत वीरता का परिचय देते हुए विपरीत परिस्थितियों के बावजूद जीत हासिल की थी। युद्ध के दौरान जहां पाकिस्तानी घुसपैठिए पहाड़ों की ऊंचाई पर बैठे गोलीबारी कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना के जवान निचले इलाकों से उनका सामना कर रहे थे। इसके बावजूद घुसपैठिए भारतीय सेना का सामना नहीं कर सके और भागने पर मजबूर हो गए थे। इस लड़ाई में भारतीय सुरक्षा बलों के करीब 2,00,000 जवानों ने हिस्सा लिया था, जिसमें 527 जवान शहीद हो गए थे। वहीं 1,300 से ज्यादा जवान घायल भी हुए थे। पाकिस्तानी सेना को भारत से कहीं ज्यादा नुकसान हुआ था, यहां तक कि उसने अपने सैनिकों की लाशें लेने से भी इनकार कर दिया था। इस युद्ध में भारतीय वायुसेना ने घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए MiG-27 और MiG-29 का इस्तेमाल किया था। वही सेना ने बोफोर्स तोपों का भी इस्तेमाल किया, जो इस युद्ध में जबरदस्त मार्क साबित हुई थी। पाकिस्तानी सेना इस घुसपैठ के जरिए न केवल कारगिल पर कब्जा करना चाहती थी, बल्कि लेह और सियाचिन ग्लेशियर तक भारतीय सेना की सप्लाई लाइन को भी काटना चाहती थी, ताकि वहां पर भी कब्जा किया जा सके। हालांकि भारतीय सेना ने उसके नापाक मंसूबों को पूरा नहीं होने दिया।